गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो केमिस्ट्री का लेक्चर ये तो पता है ना। हाँ चलो, अभी कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, कौन सा कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने अब तक क्या देखा? रुथरफोर्ड का लास्ट लेक्चर में ड्रॉबैक देखा था और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कुछ जाना था। आज हम उसके बारे में कुछ ज्यादा देखेंगे। आगे हमारा है वेव। हमें ये दो चीज पता चलेगी। एक, पहला मैक्सवेल ने क्या बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसको बोलते हैं? तो जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होता है तो वो क्या करता है, रेडिएशन छोड़ता है। तो वो रेडिएशन वो अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल होती है, तो उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये जाना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है वो दो फॉर्म में पॉसिबल है, वेव फॉर्म में भी और पार्टिकल फॉर्म में भी। तो आज हम जानेंगे वेव नेचर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे पता चला? तो सबसे पहले जो मैक्सवेल की तरह बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने ये उनको ये पता चला कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है ना, वो किसी भी रेडिएशन को एमिट एमिट का मतलब क्या होता है, छोड़ना, और एब्जॉर्ब का मतलब है लेना। ठीक है, तो एनी चार्ज पार्टिकल अगर उसको हिट किया जाए तो इट कैन एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन। ओके, सो जब उनको ये पता चला तो धीरे धीरे उनको सारे साइंटिस्ट में ये एक्सपेरिमेंट होना चालू हुआ कि किस तरह से किसी पार्टिकल को हिट किया जाए और उसके अंदर से जो रेडिएशन निकलती है उसको स्टडी किया जाए। तो उसमें एंशिएंट टाइम में, मतलब पुराने जमाने में, सब लोग जो थे उनको ये हमारे वेव नेचर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बारे में सबसे पहले बात जो है वो किसने करी, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने क्या बात करी, मैंने बताया कि मैक्सवेल ने बताया कि जब भी चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेटेड होता है तो वो एक ऐसा रेडिएशन छोड़ता है और वो वेव और पार्टिकल दोनों फॉर्म में होता है। अभी उसके ये जो रेडिएशन है वो पहले जो सारे रेडिएशन का मतलब होता है लाइट रेडिएशन। आपको उसके लगता है अरे रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन मतलब कोई भी लाइट। ठीक है, तो जैसे आपको एक्सरे खिंचवाने जाते हो ना, तो उसमें से जो रेज आते हैं वो हमारे एक्सरे होते हैं। ओके, तो ये बात हम करते हैं। ठीक है, तो रेडिएशन मतलब किसी भी तरह की लाइट। तो पुराने टाइम में किसी को भी ये नहीं पता था कि लाइट जो है वो वेव फॉर्म में, मतलब कि वो ऐसे जाती है ऑसिलेट करते हुए। सबको क्या पता था, क्या लगता था कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल फॉर्म है। इसमें भी मैक्सवेल सबसे पहला, जो मैक्सवेल ने हमें लाइट का यानी कि रेडिएशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि ऑसिलेटिंग जो हमारा फॉर्म है वो बताया कि उसका उसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल दोनों जो रेडिएशन है उसका हमने उसे ग्राफ के लिए पूरा बताया था, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन फिर भी वो ग्राफ यहाँ पर बना के उसके थोड़े से पॉइंट देने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्राफ जो है वो थ्री डायमेंशन होगा। ठीक है, पहले ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारी क्या हो गई, तीसरी जेड एक्सिस। तो एक रेडिएशन है हमारा मान के इलेक्ट्रॉन है, और यहां से शुरू हुआ हमारा ओके, ये जो है दूसरे के
तो ये मान लो कि ये है मैग्नेटिक वेव या रेडिएशन और ये है इलेक्ट्रिक रेडिएशन और ये डायरेक्शन जो है एक्स की वो हमारी है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। पहले
तब क्या मोबाइल फोन इतनी कंपनी या इतने ब्रांड या इतनी वैरायटीज थी? नहीं। उसी तरह से जब रेडिएशन के बारे में पता चला, तब सारे रेडिएशन के बारे में नहीं पता चला था, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि देर आर सो मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी मैंने यहाँ पे आपको एक पूरा बताया है कि कौन सी रेंज में क्या आता है। तो ये देखो एक्स रे, सॉरी गामा रे, जिसकी गामा रे, एक्स रे, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो है किसके लिए यूज होते हैं? वो खाना बनाने वाला माइक्रोवेव नहीं, ये माइक्रोवेव रडार में यूज होता है। रडार मतलब आपका प्लेन जो है उसके लिए जो आपको डायरेक्शन चाहिए उसमें यूज होता है। फिर लॉन्ग रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव ये कौन से है? या रेडियो वेव, रेडियो वेव आपके वो है एफएम तो सुना ना, एफएम रेडियो। तो रेडियो वेव यानी आपके रेडियो में जो वेव यूज होते हैं वो। तो देर आर सो मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इसमें से एक आप स्पेसिफिक देखो, इन सबकी अलग अलग वैल्यूज है। ये हम ये चीज क्या वो भी देखेंगे, ये क्या वो भी देखेंगे कभी। चलो पहले वो समझा देते हैं, फिर ये समझेंगे कि तीसरा पॉइंट हम ये लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डिटरमाइंड बाय डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स मतलब कि उसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स है। जैसे कि पहला है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का पहले यूनिट देखो, फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम बी और उसका यूनिट होता है हर्ट्ज। ओके, उसको हर्ट्ज में दिखाते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकेंड के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट से कितने वेव्स पास हुए, समझ में आया? वेव्स पास्ड थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन वन सेकेंड या पर सेकेंड। तो वेव पास्ड बाय सिंगल पॉइंट बाय सेकेंड पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी से आप उसको मेजर कर सकते हो। देखो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है, लॉन्ग रेडियो की ये 3 है, फिर रेडियो वेव की ये 2 है, माइक्रोवेव की ये 1 है। तो ये फिर यहाँ तो उसकी लिमिटेशन है, ठीक है, कि यहाँ पे 10^9 समथिंग, 11 समथिंग है, यहाँ पे 10^9 समथिंग है, तो वहां तक उसकी क्या है बॉर्डर। फिर फ्रीक्वेंसी के बाद दूसरा हमारे पास आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी लैम्डा। तो लैम्डा जो है उसका यूनिट हमारा होता है मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर। तो वेवलेंथ यानी वेव की लेंथ। और तीसरा सबसे आखिरी हमारे पास आता है वेव नंबर। सबकी डेफिनेशन क्या देते हैं अनुमान में आ सकती है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर की। वेव नंबर यानी वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ यानी मीटर इनवर्स। और दूसरी तरह से आप बोलना चाहो तो एक यूनिट लेंथ के अंदर कितने वेव नंबर आए हुए हैं, कितनी लेंथ मैंने ले ली, इसमें कितने वेव नंबर है, मतलब कि कितने नंबर ऑफ वेव्स है, उसको हम क्या बोलेंगे वेव नंबर, व्हिच इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। अभी पता चल गया यहाँ पे वेवलेंथ में, तो आप इसका डिफरेंट यूनिट का मतलब क्या है कि आप ना आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको फ्रीक्वेंसी में मेजर कर सकते हो या वेवलेंथ में मेजर कर सकते हो या फिर वेव नंबर में क्या कर सकते हो उसको मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी वाला मेजरमेंट दिया है, यहाँ पे हमें क्या दिया है वेवलेंथ वाला मेजरमेंट। अच्छा अभी हम आपके फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम थे कि डिफरेंट काइंड ऑफ, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसमें ये देखो यहाँ पे कुछ 10^15 के आसपास देखो, ये जो हिस्सा है ना ये है हमारा विजिबल रेडिएशन यानी विजिबल लाइट, जो आप अपनी आंखों से देख पाओ वो लाइट 10^15 के आसपास की है, बाकी सारे आपके अलग अलग एग्जांपल्स है। तो ये विजिबल लाइट कहाँ पे आएगी 10^15, फिर उससे ज्यादा भी विजिबल नहीं है, उससे कम भी विजिबल नहीं है। क्लियर? ओके, तो फ्रीक्वेंसी में देखो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ये कैसी है इंक्रीजिंग, जबकि वेवलेंथ कैसी है डिक्रीजिंग। ओके, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी,
कम, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कैसी होगी? कम। तो हमारे इस ग्राफ पर से चार पॉइंट हमने देखे, चारों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। अभी उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल, अच्छा हाँ एक बात रह गई, ये जो हमारे मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना वो वैक्यूम में भी मूव कर सकते हैं। तो जब ये सारे क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो जब वैक्यूम में मतलब जहां कोई मीडियम नहीं है वहां जब ये सारे मूव करते हैं तो सबकी जो स्पीड है वो सिमिलर होती है, बाकी अलग अलग होती है, स्पीड मतलब फ्रीक्वेंसी बाकी अलग होती है, लेकिन जब वो लोग वैक्यूम में मूव करेंगे तो सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, विच इज 3 × 10⁸। ये अपनी मिटा देती हूं, ठीक है, जो सेम तो सबकी वैक्यूम में फ्रीक्वेंसी का स्पीड होगी वो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज द स्पीड ऑफ लाइट। किसकी स्पीड है? हमारी जो विजिबल लाइट ना उसकी स्पीड है 3 × 10⁸, जिसको हम c से डिनोमिनेट कर सकते हैं, ओके। और हमारी स्पीड ऑफ लाइट का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ रिलेशन है c इज इक्वल टू लैम्डा, ओके। और अगर वेव नंबर की बात करें तो c इज इक्वल टू वी अपॉन वेव नंबर, मतलब फ्रीक्वेंसी अपॉन वेव नंबर, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रख लो, इसके रिलेटेड अभी हम सम्स दो तीन करने वाले हैं। ये ग्राफ और ये जो पॉइंट है ना अच्छे से नोट डाउन कर लो पहले। चलो अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सम इसके रिलेटेड हमें कुछ दिए हैं। देखो फर्स्ट सम है हमारा ऑर्डर नंबर 2.3, इसमें आपको बताया है विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो फ्रॉम दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब लैम्डा, सॉरी हमारी बी फ्रीक्वेंसी क्या है 1368 किलोहर्ट्ज। अभी किलोग्राम में तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करो तो × 10³, सॉरी किलोहर्ट्ज उसको नॉर्मल करो तो 10³ लगेगा। फिर तीसरा में दिया है कैलकुलेट द वेवलेंथ, लैम्डा आपको फाइंड करना है, ओके। एंड दूसरा बताना विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू, ओके। तो यहाँ पे सी आपको पता है क्या है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, हर्ट्ज जो है ना उसको आप सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हो कई बार, ओके। हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स दोनों सेम है। चलो अभी कैलकुलेशन करते हैं, हमारे पास रिलेशन क्या था c इज इक्वल टू लैम्डा इनटू v, आपको लैम्डा चाहिए तो c बाय v, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन v क्या है हमारा 1368 × 10³। ये पॉइंट जीरो होता है, अगर मैं इसको थोड़ा आगे लूं या एक काम करते हैं सीधा हम कैलकुलेटर में ना डिवीजन कर देते हैं, हमें क्या दिया है 3 / 1368 इज इक्वल टू 0.00219 इंटू क्या है हमारा 10⁸। अभी ये बताना आपको कि मेरे का एक रूल है a^p अपॉन a^q इज इक्वल टू होगा a^p माइनस q। अगर बेस सेम हो तो आपकी ऊपर जो भी होता है नंबर उसका हम क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन, तो 10⁸ माइनस 3 इज इक्वल टू 0.00219 2 9 × 10⁵।
ये कोई टारगेट नहीं, जो कहां से ये पीछे है, तो जितनी बार राइट हैंड साइड ले जाओगे इतनी बार यहां से कम होगा, तो 5 टाइम ले जाते हैं, 1 2 3 4 5 219.29 मीटर। अभी आप फ्रीक्वेंसी देखोगे ना, ये 200 है, तो 200 मतलब क्या होता है, 2 × 10^2 तो 10^2 देखो फ्रीक्वेंसी में 10^2 जो है हमारा वो किसमें आता है, तो वो आता है लॉन्ग रेडियो वेव्स में, तो ये किसका पार्ट है हमारे लॉन्ग रेडियो वेव्स का। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्ग रेडियो वेव्स, ओके ये अच्छे से कैलकुलेट करना है आपको, पहले मैंने करवाया वैसे, फिर खुद से दूसरी बार। और हाँ, जो भी सम्स में करवाती हूँ, जो भी थियरीज में करवाती हूँ, कंपलसरी वन टाइम हमारे लेक्चर के दौरान आपको लिखना है, मेंशन करना है, और दूसरी बार खुद से बिना देखे उसको लिखना है। 2 times आपका लिखा हो मुझे आपकी ग्रेड बुक में सब कुछ चाहिए जब भी आप स्कूल आओ। कर अभी हमारा प्रॉब्लम 2.4
प्रॉब्लम नंबर 2.5 की बात करेंगे लोग, तो उसमें क्या है, कैलकुलेट वेवलेंथ सॉरी वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन। क्या आपको कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ लैम्डा दिया है 5800 एंगस्ट्रॉम, सॉरी नैनोमीटर, यहां पे -9 होगा ना, ये मेरी गलती है। पार्टिकल लेक्चर, ओके।